सो हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। आज बात करेंगे CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में। अभी अभी एक नई इकोनॉमिक प्लान, रिकवरी इकोनॉमिक प्लान रिलीज की गई है। रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मीटिंग की है CII के साथ। आपने अगर CII के बारे में नहीं सुना है तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये, एंड एक लर्नर हो तो आप अपने दोस्तों से एक कदम आगे रहने वाले हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को प्रेजेंट करूँगा मैं, विवेक उपाध्याय गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज आखिर हम देखेंगे क्या, उस पर कंटेंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज CII एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके मेंबर्स कौन हैं, आखिर ये काम क्या करती है, और एक नई पोर्टल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पोर्टल वो आई है, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर वो क्या है। सो गाइस देखते हैं व्हाट इज CII। CII जो है यह एक गैर सरकारी संस्था है और ये लाभ के लिए नहीं है। इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। एक एक शब्द को अगर आप ध्यान से यहाँ देखो तो सबसे पहला शब्द आता है नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट का मतलब क्लियर है, ये एक सरकारी संस्था नहीं है। एंड जो दूसरा वर्ड है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ये एक ऐसी संस्था नहीं है जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो ये प्रॉफिट के लिए भी नहीं है। ये जो सारे शब्द है ये आपको इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रकृति के बारे में बताएंगे और मैं इसको समराइज करके बताऊंगा कि CII आखिर है क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अगर इस नाम पे जाएंगे, कॉन्फेडरेशन का मतलब आप जानते हो कि इकट्ठा होना, एक जगह आना होता है, एंड इंडियन इंडस्ट्री मतलब भारतीय उद्योगों का, ठीक है। तो ये एक नॉन गवर्नमेंट मतलब गैर सरकारी है, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं है, इंडस्ट्री लेड है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को लीड जो करती है वो इंडस्ट्रीज करती है, इसका जो सोल है वो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है, इसलिए इसे इंडस्ट्री लेड कहा गया। एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये मैनेज करती है इंडस्ट्री को। तो ये सारे वर्ड से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसकी स्थापना जो है वो 1895, मतलब ये कोई नई संस्था नहीं है। अगर आपने इसके बारे में नई और पहली बार आपने सुना है इसके बारे में तो आप ये जान ले कि 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम पे इसको दूसरे नाम से जाना जाता था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, या ऐसे इस नाम से जानते थे, बट अभी इसको जानते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और ये एक गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल लीड और इंडस्ट्री को मैनेज करने वाली संस्था है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इसके कौन हैं। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे गैस, लेकिन उससे पहले एक स्टार कमेंट्स हम देखेंगे। अभी हमने एक वीडियो डाला था, ट्रिब्यूट किया था वैसे माइग्रेंट वर्कर्स को जो अपने शहर को छोड़कर अपने गांव को जा रहे हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो पे कमेंट किया था गौतम जी ने, उन्होंने ये बात बताई थी कि उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। उनके पिताजी खुद मजदूर हैं और उन्होंने यहाँ पर बात की है कि उन्हें पता है कि त्याग क्या चीज़ होती है, बहुत करीब से देखा है उन्होंने। तो गौतम जी आप बहुत आगे जाओगे एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आपने रिवील किया, लोग जो पीछे हटते हैं शर्माने से कि वो वर्कर से, ये कोई शेम की बात नहीं है, आप वर्कर हो, आप वर्कर है, इसका मतलब ये है कि आप राष्ट्र निर्माता हो, तो आपको इस बात पे गर्व होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच गौतम जी फॉर कमेंटिंग अस। अगर आपको भी अपने कमेंट्स चाहिए तो आप ऐसे ही हमारे डिस्क्रिप्शन पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, हम आपको जरूर कमेंट बॉक्स में, स्टार कमेंट्स में यहाँ पे लाएंगे। सो गाइस हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में, तो बात करते हैं कि इनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर जनरल है कौन गाइस। तो फर्स्ट, अभी अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको प्रेसिडेंट कोई और दिख रहे होंगे, बट अभी प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, इसको मैंने अपडेट किया है। सो प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री उदय कोटक साहब है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है
कोटेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के। इनको 20 साल का जबरदस्त एक्सपीरियंस है सीआईआई के साथ और इसको देखते हुए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है संजीव बजाज जी। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है बजाज फिनांस सर्विसेज लिमिटेड के और इनको भी एक बहुत लंबा बिजनेस एक्सपीरियंस है। गाइस आप इन पर्सनालिटी को देखते रहिए, मैं आपको इनके बारे में और थोड़ा डिटेल समझाऊंगा। लेकिन जो लास्ट है वो है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है वो है टीवी नरेंद्रन। सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ये टाटा स्टील लिमिटेड के। गाइस जो तीनों पर्सनालिटी आपने देखी, ये पर्सनालिटी आप देखो अलग अलग इंडस्ट्री से है एंड अलग अलग पोस्ट पर है, बट ऑर्गेनाइजेशन सेम है, वो है सीआईआई। इसका जो मेन मकसद होता है सीआईआई का वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी निर्माण करना ताकि उद्योग अच्छे से चल सके। गाइस चलिए, सो सीआईआई एनुअल सीजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा दैट इंटेंट इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन वेयर नीडेड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हमें आत्मनिर्भर होना है। पीएम ने ये बात कही है कि देश को आत्मनिर्भर होना है। दोस्तों ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया की जो इकोनॉमी है, ये दुनिया की इकोनॉमी जो कि वैश्वीकरण से चल रही थी, वैश्वीकरण के प्रिंसिपल पे काम कर रही थी, ये अब मूव कर रही है ग्लोबलाइजेशन, राइट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू स्लोबलाइजेशन। स्लोबलाइजेशन क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन पे आ रहा होगा या आप प्ले लिस्ट चेक करके उसको देख सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन से स्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हम नहीं पूरी दुनिया, और उसी में भारत भी शामिल है। ये क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा जो मैंने बनाई है। लेकिन यहां जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो है इंटेंट इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब समावेशी, सबको लेकर चलना। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां के इन्वेस्टमेंट, जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा आए या मिले, ठीक है। एंड इनोवेशन, फाइनल जो वर्ड है इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है कि नई नई तरीके की खोज करना एंड रिस्क लेना। एक्चुअली किसी भी चीज़ को हम कुछ करने से पहले डरते हैं कि ये हमें कर, लेकिन अभी हम अगर सेल्फ रिलायंट होना है तो हमें डर बंद करना पड़ेगा, हमें नई नई चीज़ें आजमानी होगी कि हम सेल्फ रिलायंट हो पाए। सो ये जो बात है ये कही थी नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी एनुअल सीजन जो 2020 हुआ था, 125 ईयर्स ऑफ सीआईआई ये सेलिब्रेट की गई एंड इंडिया के मेंबर्स वहां पे सब कुछ थे। सो इंडिया मैटर्स इसका वो स्लोगन था, राइट गाइस। चलिए ये तो बात हो गई, अब हम पर्पस की बात करते, उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो भारत के विकास के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना है, अनुकूल वातावरण बनाना है और इसे सस्टेन रखना है, बनाए रखना है, राइट गाइस। एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है जो इंड्यूसिव हो, जो सस्टेनेबल हो, राइट। जो अभी जो हम एक जो वातावरण अभी डेवलप हुई है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है उसके अकॉर्डिंग हम उसे एडॉप्ट कर पाए गाइस। सो इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी और इसका मुख्यालय भी बता रहा हूँ, नई दिल्ली गाइस। सो मेंबर्स की अगर बात की जाए तो इसके 9000 मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेट मेंबर्स हैं, पब्लिक सेक्टर से भी है, एसएमईज है, एसएमईज का मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड एमएनसीज भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये जितनी भी सारे ये कितनी भी तरह की कंपनीज होती है इनको इसका मेंबर बनाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख के। एंड एन इनडायरेक्ट मेंबरशिप ऑफ ओवर 3 लैक्स यू कैन से 100,000 यस। सो इंटरप्राइजेस है यहाँ पे, सो 265 नेशनल एंड रीजनल सेक्टर इंडस्ट्री बॉडीज है इनके साथ, तो एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो एक ब्रॉड मेंबरशिप है इसकी। उद्योग जितने बड़े बड़े उद्योग है, जितना बड़ा देश जितनी बड़ी दुनिया उतने इनके आप कह सकते हो मेंबर्स भी है। सो इट हैज ओवर 9000 मेंबर्स फ्रॉम द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग एसएमईज एंड एमएनसीज एंड एन इनडायरेक्ट मेंबरशिप ऑफ ओवर 3 लाख एंटरप्राइजेस फ्रॉम अराउंड 265 नेशनल रीजनल सेक्टरल इंडस्ट्री बॉडीज गाइस।
ठीक है, चलिए अब इसके काम के बारे में बात करते हैं। आखिर ये काम करती क्या है? मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट खुद से गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बनाएगी? उनको इतने बड़े बड़े उद्योग जो कि प्रभावित करते हैं आम जिंदगियों को, उनसे चर्चा करना ज़रूरी होता है। सो इट वर्क विथ गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी इश्यूज, ये सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर काम करते हैं, बैठते हैं एक टेबल पे सरकार के साथ और नीतियां बनाते हैं। चूंकि एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और गवर्नमेंट अकेले ये नहीं कर सकती, इसलिए इनका यहाँ पे आना ज़रूरी होता है। इट हैज़ बीन अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म। इंडिया की इकोनॉमी इनके भरोसे होती है, सो इनको अपने कंसेंट में लेना बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए। इट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, विच नॉक डाउन दी हाई वॉल ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन इंडियन इंडस्ट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। 1991 से पहले की अगर बात की जाए तो उदारीकरण लाई गई थी हमारी अर्थव्यवस्था में, लिबरलाइजेशन लाया गया था, जिसके वजह से एफडीआई आई और उसके बाद हमारी इकोनॉमी एक नेक्स्ट लेवल पे ग्लोबलाइजेशन को ज्वाइन करते हुए हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड में। आज हमारी इकोनॉमी जानी जाती है। ड्यू टू ऑल दिस, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा हाथ था। ये उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी और 1991 में जो बड़ी सी दीवार थी प्रोटेक्शन की, जो हमने इकोनॉमी को अपने बचा के बंद करके रखा था, जिसकी वजह से फ्लरिश नहीं हो पा रही थी, उसको गिराने में इसने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई गैस। सो ये थी इसके वर्क के बारे में। CII इंटरनेशनल एक इसका विंग है, एक ब्रांच है इसकी, जो कि काम करती है एट क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द इंडियन एम्बेसीज या मिशंस। ये जो संस्था है CII इंटरनेशनल, देखिए उद्योग जो है हमारे देश के भी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो जिसे अभी हमने मैं बात किया कि मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके ब्रांचेस दूसरे दूसरे देशों में भी है, तो वहाँ पे हम कैसे मैनेज करते हैं? तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक्सटर्नल अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सपोर्ट चाहिए होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की चाहिए होगी, एंड एम्बेसीज ऑफ कोर्स जो हमारे देश में है और बाहर में जो मिशंस है, तो उनके सपोर्ट के बिना ये नहीं चल पाएगा। सो ओवरसीज फॉर क्रिएटिंग हेल्पफुल पॉलिसी एंड एजेंडाज फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये इनका मेजर काम है। इट ऑल्सो वर्क क्लोजली विद द फॉरन एम्बेसीज मिशन इन इंडिया, जो फॉरन की एम्बेसीज और मिशंस हैं इंडिया में उनके साथ भी काम करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करती है, मल्टीलेटरल एजेंसीज के साथ काम करती है, एंड थिंक टैंक एंड द वेरियस यूनिवर्सिटीज के साथ इनका काम होता है, रिसर्च की पेपर्स होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं पोर्टल की बात कर रहा था, उस पोर्टल का नाम है MyCII.in। तो इस पोर्टल में क्या काम होता है गैस? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएटिव। ये एक नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएटिव है CII के द्वारा, नॉलेज को कैसे मैनेज करना है। तो इसका जो मेन काम है वो होगा एक नॉलेज सोर्स सेंटर बनाना, CII का एक ऐसा रिसोर्स बनाना, एक ऐसे सेंटर बनाना जहाँ पे सारे बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज हो सके, नेटवर्किंग बिजनेस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सके। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगी गाइस? प्रीमियम रिसर्च रिपोर्ट, जितने भी नए रिसर्च होंगे उसके रिपोर्ट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्फ्रेंसेज एंड प्रोसीडिंग्स, जितने भी प्रोसीडिंग्स होगी कॉन्फ्रेंस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, एंड थाउजेंड ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन। बहुत सारे डिफरेंट, देखिए इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं, सर्विस सेक्टर होती है, तो इन सब में अलग अलग जो भी स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होती है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, ताकि बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे लोगों को हेल्प की जा सके एंड ऑनलाइन बिजनेसेस को हेल्प की जा सके, एंड ऑनलाइन मास्टर क्लासेस वीडियो होंगे जो ऑनलाइन आप बैठ के यहाँ पर बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख सको, एंड जो वेबिनार होता है सेमिनार की तरह, जैसे हम मिलके एक जगह संगठित होकर एक सेमिनार करते हैं, उसी तरह इंटरनेट पे जो होता है संगठित होकर वो वेबिनार होता है, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाए ट्रैक किए जाएंगे, एंड बिजनेस टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ मिलकर काम करने का मौका प्रोवाइड किया जाएगा, एंड ऑनलाइन डेटाबेस
ऑफ मेंबर कंपनीज, इसके जो मेंबर कंपनीज है उनकी डेटाबेस ऑनलाइन यहां पर रिकॉर्ड करके रखी जाएगी। तो बिजनेस इंडस्ट्री के लिए और हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके लर्निंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को देखा और आपको समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे और आप दुनिया से एक कदम आगे जरूर रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड। साइनिंग ऑफ।